हेलो दोस्त, कैसे हो? मेरा नाम आसिफ अंसारी है और फिर से आज मैं न्यू वीडियो आपको आपके लिए बना रहा हूँ। मैं नया वीडियो, तो ये वाला वीडियो जो है कि मैंने आपको बोला था कि इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा RTX 5000 सीरीज, मतलब उसका क्या स्पीड रहेगा, कितना बीट का रहेगा और कितना यूज़ करके फिर आपको आगे कितना FPS का स्पीड देगा और कौन कौन से मॉडल जल्दी लॉन्च कर रहा है 5000 सीरीज में, तो आपको ये सब बताने वाला था मैं। तो अभी फ़िलहाल कैसा है कि ये वाला जो वीडियो है अपना पेंडिंग रह गया है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बनाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको आपके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप लेकर आ गया हूँ मैं, लीजियन 5 प्रो। ये सबसे बेस्ट लैपटॉप अभी लिनोवो में देखा है, तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन लैपटॉप डिज़ाइन किया गया है। ये 16 इंच का लैपटॉप दिया गया, आप गौर से देख सकते हैं, 16 इंच में बनाया गया है। इसका वेट का बात करेंगे तो 2.5 kg का वेट है। एंड इसमें सबसे खास चीज़ बात करेंगे तो हम लोग उसमें डिज़ाइन में ब्राइटनेस जो 16 इंच में डिज़ाइन किया गया है, इसका ब्राइटनेस आपको दिया है 500 नीट्स ब्राइटनेस है। यानी कि अगर आप स्क्रीन पे कोई भी यूट्यूब वगैरह या फिर कोई भी वीडियोस, अगर बेहतरीन वीडियोस अगर आप देखते हो तो वहाँ पर ब्राइटनेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेल होता है। क्योंकि अगर ब्राइटनेस कम रहेगा ना तो कैसा है ना कि आपको कोई भी चीज़ डल, मतलब कि बहुत ब्राइटनेस कम होने की वजह से आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस जो है बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, 500 का ब्राइटनेस है। आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हो, इतना लाइट्स होने के बाद भी यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर देखेंगे तो कम से कम बहुत सारे सीलिंग से लाइट लगे, जिसके वजह से उसके बाद भी आपको ये ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट दिखेंगे। आप देख सकते हैं एकदम ब्राइटनेस क्लियर है ज़्यादा लाइट होने के बाद भी। अगर ज़्यादा धूप वगैरह भी होगा तो भी ब्राइटनेस आपको परफेक्ट दिखेगा। तो इसका डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको ये 240 Hz का डिस्प्ले है जो आपको रिफ्रेश रेट का स्पीड देगा आपको। एंड वेट तो 2.5 kg है एंड 16 इंच में डिज़ाइन किया गया है। यानी कि एक गेमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका डिज़ाइन कितना इंच में, जितना स्क्रीन बड़ा रहेगा, साइज़ बड़ा रहेगा उतना उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उस पर ज़्यादा वीडियो बेहतरीन दिखता है। और गेमर के सबसे खास करके यही होता है कि स्क्रीन उसको बड़ा साइज मिले। सेकंड चीज़ बात करेंगे तो इसका कीबोर्ड जो है वो एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड दिया हुआ है। यानी कैसा होता है, जब हम लोग कीबोर्ड्स, पहले के जो गेमर जब गेम्स खेलते थे तो उस वक्त क्या होता है, कभी कभी 4-5 हम लोग को की दबाना पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर 4-5 एक साथ की दबाना पड़ता है। यानी कि अगर हम पहले अगर 1-3 अगर 2-3 एक साथ बटन प्रेस करते हैं तो एक बटन पहले जो दब गया वो एक्सेप्ट करता था मशीन, बट अभी कैसा एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड, यानी कि एक साथ अगर आप अगर उसको 4-5 भी बटन प्रेस कर देते हैं तो प्रेस करने के बाद वो चारों बटन को कमांड करेगा और चारों बटन को कमांड एक्सेप्ट करके डिलीवर करेगा। तो उसमें सबसे खास बात ये है। सेकंड, इसमें कीबोर्ड जो है वो sRGB है। यानी कि आपको ये पूरा, आपको यहाँ पर जो लाइट्स है आप ऑटोमेटिक इसको कस्टमाइज कर सकते हो, 100% sRGB है। यानी कि यहाँ पर जो क्लैरिटी आप देखेंगे, आपको ब्राइटनेस दिखेगा भी, जो बैकलाइट के नीचे आपको लाइट दिख रहा है वो ऑटोमेटिक आप कस्टमाइज कर सकते हो। 4-1 मोड में, यानी कि आपको चार जोन दिया है, फर्स्ट यहाँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लास्ट वाला न्यूमेरिक में। यानी कि उसको आप लाइट चेंज कर सकते हो जैसे आपको रखना है। एंड बात करेंगे तो उसका मटेरियल्स का, तो इसका मटेरियल्स देखेंगे तो इसका टॉप बटन जो है वो ऊपर के साइड में और एक पीछे साइड में, ये दोनों भी आपको एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है। यानी कि लैपटॉप गिरने के चांसेस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर उन्होंने बेस्ट मटेरियल यूज़ किया गया है। कभी गलती से अगर गिर भी जाता है एक्सीडेंट में तो वो पार्ट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, उस पर डेंट आएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। सेकेंड चीज़ है इसके बॉटन जो देख रहे हो आप, 4-in-1 बॉटन, ये बैक साइड में जो बॉटन दिए है, ये बॉटन भी आपको जो यूज़ किया है ABS फाइबर, यानी कि एक फाइबर मटेरियल होता है और फाइबर के ऊपर 2 times ज़्यादा स्ट्रांग मटेरियल जिसको बोला जाता है वो है ABS फाइबर। तो ABS फाइबर आपको मटेरियल यूज़ किया गया है, तो आपके लिए ये लैपटॉप लेना बहुत बेहतरीन रहेगा। लीजियन 5 प्रो अगर मॉडल चेक करेंगे तो उसमें लीजियन 5 प्रो बोलते हैं, इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, लीजियन 5 प्रो, लीजियन 5 स्लिम भी आता है, तो वो प्राइस ज़्यादा नहीं है, उसका प्राइस आपको 4060 RTX के साथ आता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4070 RTX 8GB ग्राफिक के साथ है प्लस 32GB रैम। मैं आपको शो कराता हूँ क्योंकि गेमर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रैम मैटर करता है, FPS मैटर करता है।
i7 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया हुआ है ये 13 जेन के साथ। अगर आप कैमरे में आपको दिखता है तो आप देख सकते हो इंटेल कोर i7 13 जेन 32GB रैम एंड 1TB SSD के साथ मिलेगा आपको। तो 32GB रैम अभी है अपग्रेडेबल, 64GB तक के रैम है, आप 64GB तक भी रैम इसमें बढ़ा सकते हो। ग्राफिक जो आपको मिलेगा वो आपको 4070 यानी कि 4070 RTX 8GB ग्राफिक डेडिकेटेड आपको ग्राफिक्स मिल रहा है, यानी कि गेम की तो बात ही मत करो, गेम तो एकदम पावरफुल बूस्टिंग चलेगा। अगर आपका अलग से कोई सॉफ्टवेयर भी डिजाइनिंग रहेगा तो वो भी परफेक्ट चलेगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कैमरा में दिख रहा है तो ये देखिए 4070 RTX लेटेस्ट ग्राफिक्स, ये भी अभी लेटेस्ट ही चल रहा है, अभी उतना ओल्ड नहीं हुआ है। इसका वॉट भी चेक करेंगे तो बेहतरीन वॉट है, पहले ज़्यादा वॉट नहीं मिलते थे, अभी वॉट ज़्यादा है, तो यानी कि बेहतरीन आपको 3D वगैरह, मैक्स वगैरह और C++ जावा हैवी ब्लेंडरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ करना रहेगा तो उसके लिए बेस्ट है। प्लस DDR6 के साथ आएगा आपको, ये DDR6 के साथ आएगा आपको। अभी इसमें 1TB SSD है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो 2TB तक के। एंड बात करेंगे तो इसका कॉल फ्रंट का जो इसका आपको डिजाइन देखा है, आप यहाँ पर दो एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं, एक ही एग्जॉस्ट फैन और एक ही एग्जॉस्ट फैन, दो आपको वेपर चैम्बर यूज किया गया है। इसका सबसे खास मकसद ये है कि जब कभी भी लैपटॉप अगर आप यूज करते हो, गेमिंग लैपटॉप कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट फैन की स्पीड तभी आता है जब आप कोई हैवी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एंड देन कभी अगर आप गेमिंग सॉफ्टवेयर अगर डाल दिए, कभी गेमिंग करने लग गए, तो उन केस में क्या है ना, ये एग्जॉस्ट फैन का सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आप एक छोटा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ये एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिक वो नॉर्मल पे ही चलता है, लेकिन जैसे आपने उसमें गेमिंग, जैसे कि GTA 5 हो गया और Resident Evil 6-7 पार्ट जो आ रहा है, यानी कि जितने भी लेटेस्ट गेम अभी लॉन्च हुए हैं, अगर आप वो भी इस पर रनिंग करेंगे तो तुरंत फास्ट ऑटोमेटिक इस कॉल फैन का फैन जो है वो ऑटोमेटिक वो स्पीड बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा फैन का स्पीड, जिसकी वजह से आपको यहाँ बैक साइड में हीटिंग नहीं आएगा। सेकंड सी बात करेंगे तो अगर आपको रैम अगर ब्रेक करना है, तो अगर लैपटॉप वारंटी में है, अगर आपको पता है कि रैम किस तरह से इंक्रीज कराना है, तो यहाँ पर ज़्यादा खास बात यह है, आप स्क्रू भी देख सकते हैं, सिर्फ एक से दो ही स्क्रू आपको बैक साइड में खोलना रहता है, सिर्फ दो स्क्रू खोलोगे तो ऑटोमेटिक वो पैनल बाहर आ जाएगा, रैम मैच करके आप लगा सकते हो, यानी कि आपको पैसा बचाना है, अगर आपको आ रहा है लगाने तो आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो इसको छूछा मत करिए, लेकिन आता है तो आप रैम बिठा सकते हो। बैक साइड में SSD भी दिया ऑप्शन, आप SSD इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ध्यान दीजिए, इसमें RJ45 भी दिया हुआ है, लैन कनेक्शन भी दिया हुआ है, जिसको गेमर है, जिसको ऑनलाइन गेमिंग करना रहेगा उसके लिए ज़्यादा खास करके चीज़ें। इसमें आप 3.2 के आपको दो पोर्ट्स है एंड 3.1 के सेकंड जनरेशन के दो पोर्ट्स आएंगे टोटल आपको, प्लस थंडरबोल्ट भी पोर्ट दिया हुआ है एंड आपको HDMI दिया है, यानी कि आपके एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन को भी आप आराम से दूसरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। प्लस 2.5 KG के साथ है। इसका प्राइस देखेंगे तो अभी मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस चल रहा है देखा जाए तो, ये आपको 1,59,990 में आपको फाइनल प्राइस पड़ेगा, 32GB रैम एंड 1TB SSD, अपग्रेड एंड 2TB तक के SSD कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें मक स्विच दिया हुआ है। पहले कैसा होता है, ये मक स्विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले कैसा होता है कि जब हम कोई भी एक गेम खेलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम नॉर्मल वर्ड एक्सेल PPT पे काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल इंटेल इरेज ग्राफिक्स या फिर यू अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स जो आपका काम करता है, वो ऑटोमेटिक वो उस पर रनिंग होता है। और पहले कैसे होता है कि पहले भी जब हम लोग कोई भी अगर एप्लीकेशन खोलते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या छोटे एप्लीकेशन का आप यूज करोगे ना, तो पहले वो इंटेल इरेज या जो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन यानी कि USD ग्राफिक्स इंटेल पे होते हुए फिर उससे लगता था कि ज़्यादा इसको ग्राफिक लगेगा, तो फिर वो कन्वर्ट करता था उसको RTX या GTX पे कन्वर्ट करता था। तो अभी मैक स्विच जो है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैक स्विच ये है कि जैसे आपको अगर गेमिंग करना है, अगर आपको गेमिंग ही करना है, तो जैसे आप गेमिंग करना है तो आप डायरेक्ट लिनोवो वेंटेज में यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। ये देखें, इसमें मक स्विच दिया हुआ है जो ऑटोमेटिक आपको वेंटेज, लिनोवो वेंटेज ओपन करना है और वेंटेज ओपन करके, और यहाँ पर आपको एक आता है, आप देख सकते हो GPU वर्किंग मोड दिख रहा है आपको, जहाँ माउस रखा हुआ है, तो GPU वर्किंग मोड में जाके और आप जैसे यहाँ पर GPU मोड आपको ऑप्शन दिया सबसे लास्ट वाला, तो GPU मोड रख के और उसको एक बार रिस्टार्ट करोगे आप,
वो कैसा है ना कि वो मक स्विच पे चला जाएगा। तो मक स्विच आखिर में है क्या? मक स्विच क्या है कि जब आप एक गेमिंग नॉर्मल वर्ड एक्सेल पीपीटी पे काम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक वो इंटर इरेज ग्राफिक प्रोवाइड करेगा, यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो यूएसडी ग्राफिक्स भी रहेगा तो वो ऑटोमेटिक रनिंग होगा। लेकिन जैसे आप उसको गेमिंग में कन्वर्ट करते हो या फिर जैसे आप उसको हाई डेवलपर इंजीनियर का सॉफ्टवेयर का वर्किंग करते हो तो ऑटोमेटिक वो मक स्विच ऑन करोगे तो कैसा आता है। यहाँ पर अभी मेन काम किसका था, जैसे हम गेमिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जैसे कमांड देते हैं तो पहले इंटेल इरेज या यूएसडी पे जाता था, फिर यूएसडी से होके फिर आरटीएस या जीटीएस पे जाता था। बट ये मक स्विच का काम ये हो गया है कि जैसे आप कोई भी गेम उस पर प्ले करते हो या कोई भी हाई डेफिनेशन ग्राफिक रिलेटेड या डिजाइन रिलेटेड अगर आप चालू करते हो तो वो कैसा है कि वो इंटेल इरेज को नहीं जाने देगा, वो डायरेक्ट मक स्विच वहाँ बीच में बैठा है जो मक स्विच तुरंत पटक करके आपके रिक्वायरमेंट को पकड़ेगा और वो आरटीएस को डेवलप कर देगा। यानी कि यहाँ मेन मक स्विच बैठा है जो मक स्विच आपके रिक्वायरमेंट को जानेगा, पहचान के और तुरंत वो आरटीएस को फेंक देगा। यानी कि यहाँ पर इंटेल इरेज का कोई काम नहीं है, जिससे आपका स्पीड बराबर मिलेगा, परफॉर्मेंस बराबर मिलेगा, एफपीएस बराबर मिलेगा, कोई भी चीज़ में आपको जरा भी हैंग वगैरह नहीं होगा ग्राफिक्स रिलेटेड में। तो मक स्विच का ये काम है। तो दोस्त बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ मैं, तो प्लीज़ जरा इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसके बाद मैं अभी जो आने वाला है आरटीएक्स 5000 सीरीज उसके बारे में एकदम परफेक्ट आपको अच्छे से वीडियो बना के फिर से भेजूंगा ताकि आपको नॉलेज मिले। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये रहता है कि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनको पता नहीं रहता मक स्विच क्या है, किस तरह से इसको डेवलप करना है, हमको क्या लगता है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आपको भी मालूम होना ज़रूरी है। तो जितना मालूम है मुझे मैंने आपको बताया है, कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप वीडियो में डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो मुझे कि क्या चीज़ के ऊपर बनाना है। तो दोस्त ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊँ तो आपके पास जल्दी आऊँ मैं। ओके, तब तक क्या आप अपना ख्याल रखो दोस्तों।